गुड मॉर्निंग, वैसे गुड मॉर्निंग नहीं हो रही, गुड आफ्टरनून हो रहा। तो मैं बना रही हूँ आज ब्रोकली। मैंने इसकी रेसिपी डाल रखी है वैसे अपने चैनल पर। मैं बना रही थी ब्रोकली। ब्रोकली ना खाली नहीं बनती, इसके साथ कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। तो मैंने डाली है गाजर, मटर तो छीली हुई, चलो मटर भी छील लेती, उसमें फ्राई होती है गोभी। ऑयल मेरा हो गया गरम, पहले ब्रोकली को ना फ्राई कर लेते हैं। जैसे मेरी ब्रोकली फ्राई होगी ना, इसमें मैं मटर छील लेती हूँ। प्याज तो मैं इसमें डालूंगी नहीं, मैं विदाउट ऑनियन के बनाऊंगी। पता ही है मुझे कान्हा जी को भोग लगाना पड़ता है। चलो बस दिखाए कैसे बना रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी लगती है एकदम। मैं सिंपल सी बनाऊंगी, काली मिर्च डाल के। चलो मटर छील लेते हैं, फ्राई होगी गोभी, फ्राई हो गई है। ये देखो गाजर गोभी हो गई, अभी मैं देख के शिमला मिर्च भी होगा। शिमला मिर्च, मटर और गाजर और ब्रोकली। तो ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा मैं जीरा डालूंगी। ये देखो मैंने जीरा और मस्टर्ड लिए, हम डालेंगे टमाटर ग्रेट करके और दो तीन हरी मिर्च। हरी मिर्च भून चुकी है, बैक कैमरा हो गई है। तो ये मैंने ग्रेट किया टमाटर, बस अच्छे से मसाले को भून लेती हूँ। हरी मिर्च सब के टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिर्ची तो मतलब जो भी है, रेड ब्लैक। तो आज मेरे पास ना ब्लैक पेपर जो है, मतलब काली मिर्च, वो घर की पिसी भी नहीं है। घर की पिसी भी जो होती है ना, उसका फ्लेवर अलग ही आता है, बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मार्केट की है मैं पैकेट वाली, वही डालूंगी, उसमें इतना मज़ा नहीं आता खाने में। डाल तो देते हैं, जो घर की होती है ना, मोटी मोटी पिसी होती है, तो बहुत अच्छी लगती है। चलो मसाला भून जाएगा, बात कम करते हुए ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मैंने ना ये मेरी हो गई है, टमाटर हो गई है, मैंने ढक के इसको पका लिया। और हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी और मटर भी मैंने इसमें इसी वक्त डाल लिए, जब मैं भूल गई थी मटर डालना। यार कुत्ता रो रहा भाई स्कूटी पे बैठने के लिए, कुत्ते की माल की गई, अपने बच्चे को स्कूल से ले दे। कुत्ता बोल रहा है उसको भी चाहिए स्कूटी पे बैठने के लिए, स्कूटी पे घूमता है बैठ के, अब रो रहा है, देखो आवाज आ रही है कितनी जोर से। चलो मैंने ये बस मसाला भून लिया, ये डाल दिया, बस ऊपर से मैं ब्लैक पेपर डाल देती हूँ और बन के तैयार होगी हमारी तो मस्त मस्त ब्रोकली। तो जरूर बनाना, इस सर्दी सर्दी में ज्यादा आती है, थोड़ा तो सस्ती भी आती है इस टाइम, गर्मी में भी मिलती है हमारे यहाँ, तो गर्मी में भी मिलती है, सर्दी गर्मी दोनों में। अब ये मुझे नहीं पता यार, ये सर्दी में महंगी मिलती है गर्मी में, पता नहीं। 60 रुपये किलो तो अब भी है, तो रुक के आपके ध्यान रखूंगी, ये गर्मी में मिलती है सर्दी में। ब्लैक पेपर इसको मैं डाल देती हूँ, 10 रुपये का पैकेट आता है काले मिर्च का, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ उसमें मज़ा नहीं आता इतना जितना अपने घर पे ही। अभी मेरे बेटे के पास टाइम नहीं है ना, तो स्कूल में थोड़ा लेट आता है, वो ला के देगा फिर। साबुत मंगाऊंगी ढेर सारी, फिर पीस के रखूँगी उसको। चलो 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 फिर ब्लॉक लम्बा बन गई ब्रोकली। क्या खुशबू है, खुशबू भी निकलने मरने वाले लोगों को आ रही है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है। इसमें शिमला मिर्च और होती ना, तो मेरी बेटी ने ख़त्म कर दी। शिमला मिर्च होती ना तो बहुत मज़ा आता, और पनीर भी डाल सकते हैं आप इसमें, पनीर भी, फिर तो वो मिक्स वेज हो जाएगी ब्रोकली मिक्स वेज, है ना। बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी इसमें, ज़्यादा डाल। बस
वैसे मैं सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ इसको, आलू वालू कुछ नहीं। चलो फ्रेंड्स, हो सकता है मैं इसे दूसरे मतलब इस ब्लॉग में मैं पूरा ना दिखाऊँ, खाली यही दिखा दूँ, है ना, वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया पाव भाजी नेक्स्ट डे। तो इसकी रेसिपी तो मेरे चैनल पे है, दूसरे बालकोनी में सुधाम, तो आप वहाँ देख सकते हैं कितनी टेस्टी यम्मी पाव भाजी। और कृष्णा का नहीं है कि ये बगैर प्याज के तो ये खा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग का करते हैं यहाँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर।